ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ भाई। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं, आप बॉयफ्रेंड का साथ जा रहे हैं ना, ऐसे बॉयफ्रेंड का साथ जा रहे हैं लेकिन छुपाते हैं बोलते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जिप लाइनिंग, अच्छा यहाँ पे गाइस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड हाई अल्टीट्यूड जिप लाइनिंग इधर होते हैं, ये देख सकते हैं, ये खाडन में पहुँच गए। चॉकलेट नहीं है, वापस आने टाइम में देगा, ठीक है। यार कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किधर जा रहे हो, कुछ भी आइडिया नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज स्टडी पूनम फ्रॉम असम, नमस्कार गुमुख सुदुंग। सो गाइस मैं अभी जाने के लिए रेडी हो रही हूँ थोड़ा, और मेरा आँख इतना फुला है क्यों पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं लद्दाखी लड़की बन गई हूँ, लद्दाखी लड़की का चेहरा भी ऐसे होता है। कल एक्चुअली क्या होने के, मैं जब मार्केट गई थी ना, सब लोग मुझे बोल रहे थे कि लाइक आप लद्दाखी लड़की हो, लद्दाख से हो, सब लोग मुझे पूछ रहे थे, तो शायद चेहरा मिलता होगा, अभी तो पूरा ही मिल चुके हैं क्योंकि आँख थोड़ा ऐसे हो चुके हैं। मैं अभी खा रही हूँ बड़ा था, और मेरा नाक ना ठंड की वजह से मेरा नाक इतना नाक बंद हो चुके थे सुबह, और ये होटल आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मस्त है, यहाँ से इतना सुंदर सा व्यू देखता है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, लुक एट दिस। ये खिड़की खोल भी सकते हैं इधर से, तो यहाँ पे ना पूरा रिवर है एक। सो मैं ना अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट यहाँ पे, और अभी चाय पीएंगी हम तो, वैसे तो मैं चाय नहीं पीती लेकिन आज पी रही हूँ क्योंकि ठंड है ना, तो पीना ही पड़ता है, नो ऑप्शंस। और यहाँ पे ना लाइक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, हम लोग को थोड़ी देर में दिखाऊंगे, पहले खाना खाते हैं। मेरे को जाना है पीछे, तो मैं कैसे जाऊँ, किधर से जाते होंगे, मेरे को पूछना है क्योंकि मेरे को जाना है पीछे। एंड यहाँ पे सब पैकअप हो चुके हैं इधर, और शायद इधर से जाते होंगे। वाओ गाइस सीरियसली इट्स एन अमेजिंग, आप लोगों को जो जैसा रूम चाहिए वैसा ही मिलेगा, इधर बाथटब वाला रूम भी मिलेगा। और इधर मैं आ गई, अभी रिवर है एक, और इधर पे चिल कर बैठ के पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं आराम से। अभी मतलब थोड़ा अभी इतना मेंटेन नहीं किया हुआ है क्योंकि क्लोज टाइम क्लोजिंग है ना, सब लोग अच्छा आ रहे हैं बंद करके, सारा सब स्टाफ लोग इधर है। और इधर ये वाला मस्त पार्ट है सबसे, और गुड मॉर्निंग भैया जी। वाह यहाँ पे अगर ज़्यादा पानी होने से अच्छा लगता होगा ना, वाह निकल। हाँ अभी हेलो गुड मॉर्निंग, सब लोग खाना खा रहे हैं इधर, आज जा रहे हैं ना आप लोग सब, हाँ आज घूमने जाएंगे, अच्छा कहाँ कहाँ घूमेंगे आज, अच्छा। कल रात कैसे डांस किया ना आप लोगों ने, पूरा डांस किया। तो आप लोग कहाँ से हैं? ये सभी झारखंड से हैं। ओह झारखंड से, अच्छा। ये अंकल ब्रश कर रहे हैं इधर से तोड़ के, मैंने भी किया हुआ है गांव में ना, जब मेरे पास टूथ ब्रश नहीं थे, बस इसी से करते, हमारे ज्यादातर यही चलता तो? है अखरोट का और टिम्बर का और ये। अच्छा आप यही से? श्रीनगर से, अच्छा। अभी तो मेरे पास टूथ ब्रश है। ओ मैंने आप लोगों को बोला था ना क्यूट सा बच्चा है इधर। हाय अच्छा इधर ये वो बच्चा, मैंने आप लोगों को बताया था, भाग रहे अभी। और ये भैया है यहाँ के ओनर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? इधर देखो और इसको नीचे उतरना है, ये बड़े हो गए अभी ना, गोद में नहीं रहना इसको, आजा अच्छा। ये है द नेचर रेसिडेंसी, आप लोग देख सकते हैं
बहुत ही सुंदर सा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी आप लोग बैठ सकते हैं, चेयर टेबल इधर भी बहुत सारा लगा रहता है, लेकिन अभी क्लोजिंग टाइम है तो सब पैक कर दिए हैं, सामान सब कुछ अंदर रख के जा रहे हैं। तो अभी विंटर्स आ गए ना, तो ज़्यादा इधर थोड़ा दिक्कत होता है। पूरा पार्किंग भी पूरा अवेलेबल है, कोई टेंशन ही नहीं है। इतना बड़ा सा गेट है, इतना बड़ा सा वॉल है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार अंदर आ गए, कुछ सामान आप बाहर भी रख दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुंदर सुंदर सा रूम्स है इधर पे, आप लोग ज़रूर विज़िट करना ये होटल पे। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका कंटेक्ट नंबर और इसका लोकेशन में सब दे दूँगी आप लोगों को। और ये था मेरा सुंदर सा रूम। या मेरा रूम बहुत ज़्यादा ही मेसी है, मैंने करके रखी हूँ क्योंकि अभी सामान लोड करने जाना है। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, सामान लोड करने जाते हैं, फिर मिलते हैं। सो मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हूँ अभी। और थैंक यू भैया, थैंक यू और बाय बाय सबको। और उधर भी है बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। हाँ एक काम है, फिर भी डालना पड़ेगा ना, हवा भी डाल। ठीक है, सो लेट्स गो। चलिए गणपति बापा मौर्या हर हर महादेव। चलो भैया जी, ओके बाय 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 भैया जी बाय। सो गाइस फाइनली इधर से निकल रहे हो, और अभी मैं जा रही हूँ सीधा नूबरा वैली। तो अभी टाइम हुआ है 10, यहाँ से तो नूबरा वैली तक लाइक 5 घंटा दिखा रहे थे। तो अभी 10 11 12 1 2 3 3 4 बजे तक तो नूबरा वैली पहुँच जाना चाहिए मेरे को। सो लेट्स गो गाइस, फाइनली आज हमें रास्ते में अभी मिलने वाले खारडुंगला पास वगैरह सब कुछ आज क्रॉस करके जाएंगे। और या आप लोगों को भी लेके जाते हैं गाइस, लेट्स गो। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को नया नया जगह देखने को मिलेगा, मुझे भी नया नया जगह देखने को मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड। अभी मेरे को पेट्रोल अभी थोड़ा आधा है, पेट्रोल डालना होगा। ये जो होटल में मैं रुकी थी ना गाइस, ये होटल बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आप लोग भी यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अच्छा वाला होटल मिला मेरे को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं और लाइक होटल्स अच्छा होगा कि नहीं होगा ये सब थोड़ा तो डर रहता है। तो वही मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अगर लद्दाख प्लान करते हैं तो आप लोग ज़रूर ये होटल पर ज़रूर रुकना, क्योंकि ये होटल मतलब बेस्ट है। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, ये बेस्ट होटल है। और एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नूबरा वैली वगैरह जाते हैं ना तो आप लोगों को पासेस बनाना पड़ेगा उसके लिए, और कितने दिन के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को पासेस बनाना पड़ेगा। तो आप लोग जो होटल में रुकते हैं ना उससे पूछने से भी होगा, या तो ऑनलाइन आप लोग अपने ऑनलाइन कौन सा था ऑनलाइन का मैंने मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो अगर आप लोग ये होटल पर रहते हैं तो आप लोग ये भैया आपको पासेस बना के देंगे, लाइक 500-600 ऐसे लेंगे पासेस के लिए। तो वही मैंने भी बना लिया, 600 रुपीज़ ऐसे कुछ पड़ा है मेरा। 15 तारीख तक मैंने एक्सटेंड किया है पासेस के लिए, उतना दिन तो नहीं रहने वाले, फिर भी मैंने लाइक 15 तारीख, आज तो 5 तारीख है तो मैंने 10 दिन मैंने वो किया है, एक्सटेंड कर दिया है, 10 दिन के लिए मैंने पास बनाए हैं। तो 600 पड़ा मेरा। तो अगर आप नूबरा पेंगोंग सब जगह जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, उसका चार्ज लगता है। सो वही गाइस, अगर आप लोग प्लान करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्टर करके ज़रूर आना, पेंगोंग वगैरह नूबरा वैली ये सब में आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। क्या है क्या बोला तूने? Show me oxygen lesson. Decolation. Keep why? We are here for checking this. We are from Ladakh Bike Rental. Okay. But we have to check this. This bike is your personal. Yes. That's why. अच्छा। If other there is a rental bike, we have to check the route pass also.
फोन में दिखाने से होगा ना, एंट्री भी कर ली है अभी अभी। सो गाइस यहाँ पे ना आपको पासेस दिखाने पड़ते, जो पासेस उधर बनाए ना वो इधर दिखाने पड़ते, और एंट्री भी कर ली है अभी अभी। सीधा चलेंगे न्यू ब्रावेली। हाँ रास्ता बहुत ही गोल गोल वाला रास्ता है, आप लोग ये देख सकते हैं, जिगजैग वाला रास्ता अभी मिलेगा बहुत सारा। एक छोटा सा गांव है, ओह माय गॉड अलग सा दिख रहा है पूरा। ये वैली है ना, आप लोग देख सकते हैं पूरा पहाड़ों के बीच नीचे एक गांव है छोटा सा, गंगल्स ना कुछ था ये गांव का नाम। और ये देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ना, पूरा इसके नीचे है ये विलेज। ओह माय गॉड एंड रास्ता देखो, इतना छोटू छोटू सा रास्ता है, और वाह। और मेरा कैमरा को क्या हो गया पता नहीं, पूरा ये हो रहा है ना, हैंग मार रहा है। गाइस लुक एट दिस, चलते रहेंगे। कितना आप जंगल वाले पहाड़ देखोगे है ना, लाइफ में एक बार ऐसा खाली खाली वाला पहाड़ भी तो देखना चाहिए, है कि नहीं है? कमेंट डाउन बिलो, कमेंट सेक्शन में भर दो कि लाइफ में एक बार ऐसे रास्ते पे आप लोगों को बाइक चलाना है या नहीं। ऑब्वियसली हर किसी का सपना होता है, लाइक मेरा भी सपना पूरा हो रहा है। आप लोग भी अगर ऐसे यहाँ पे राइड, एप्पल चॉकलेट्स और पानी लेके आई हूँ, आप लोग भी अगर ऐसे यहाँ पे राइड करते हैं तो ज़रूर साथ में ऐसे खाना थोड़ा लेके आना। एंड मेरा सर्दी तो ठीक हो ही नहीं रहा है भाई, मैं तो सर्दी वाले टैबलेट लेके आई, और मेक श्योर कि आप मेडिसिन भी साथ लेके आए, सर्दी का, फीवर का, पेन का सब आप लोग लेके आना, मैं तो सब लेके आई हूँ। और लिप बम की तो बहुत ही ज़रूरत है, यहाँ पे लिप्स पूरा ड्राई हो जाते हैं और दर्द करने शुरू हो जाते हैं। अभी तो उमलिंगला सबसे हाईएस्ट में है, और पहले खारडुंगला था अभी उमलिंगला। साइड रास्ता बंद है, ब्लॉक है रास्ता, सब लोग इधर ही खड़े हैं, रास्ता का कुछ तो हुआ है इधर, प्रॉब्लम दे रहे मुझे बीच बीच में ना रास्ते ऐसे कुछ खराब मिलेंगे क्योंकि रास्ता बन रहा है ना इधर। सो अभी मेरे को धूल मिट्टी खाने को मिलेगा फ्री में, खाना तो दूर की बात है, अभी खाना पड़ेगा धूल मिट्टी। तो क्या करना है आपको, जो आप पास बनाए ना नुब्रा वैली पेंगोंग लेक के लिए जो पास बनाते हैं ना, सो उसको क्या करना है, आप लोगों को एक कॉपी बनाना है उसका, मतलब प्रिंट आउट निकाल के लेके आना है, तो इधर सबमिट करना है। तो मैंने ना मैंने वो कॉपी लेके नहीं आए, तो ये थोड़ा बहुत मुझे पूछताछ किया। तो अगर आप कॉपी प्रिंट आउट करके लेके आते तो एक कॉपी इधर दे देते तो इजी हो जाते। सो वही यहाँ से अभी खारडुंगला 14 किलोमीटर दिखा रहे, तो मेरा चार्ज भी नहीं है, आपको सीधा खारडुंगला पे मिलते हैं गाइस, लेट्स गो। गाइस फाइनली आई मेड इट टू खारडुंगला, वाव ये देख सकते हैं ये खारडुंगला पहुँच गए। माय गॉड अभी मेरा हाथ ना ठंड के मारे हालत ख़राब हो चुके हैं, ग्लव्स चेंज करते हैं, कहाँ रख दी पता नहीं। सो गाइस ये है सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, खारडुंगला पहुंच चुके हैं, लुक एट दिस। ठंडे बहुत, पीछे आइस देख रहे हो आप लोग, पहले मैं ना क्या कर रही हूँ, पहले मैं जैकेट पहन लेती हूँ, डबल जैकेट पहन लेती हूँ है ना, गला सही सलामत रहे। तो अभी निकलते हैं इधर से, तो चार्ज भी ख़त्म होने वाले हैं, और यहाँ से ना नीचे एक गांव है छोटा सा गांव, अभी उधर से क्रॉस करने वाले हो,
और भूख भी लगी है, शायद अगर उधर कुछ खाने को मिलता है लाइक मैगी एंड ऑल तो मैं खा लूँगी। अभी ना मैं यहाँ पे खा रही हूँ मोमो, इधर वेज मोमो खा के देखते हैं। लकीली गाइज यही मेरा लास्ट बैटरी है जो कि चार्ज है इसमें 100%, बाकी सब ख़त्म। सो अभी जितना हो सके मैं थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को दिखा के जाऊंगी क्योंकि चार्ज ख़त्म हो जाएगा और बहुत आगे जाना है यहाँ से और 150 किलोमीटर दिखा रहे। मैं अभी थे नॉर्थ पुल्लू विलेज, वहाँ पे आपको खाने के लिए मिल जाएंगे और ऐसे ठंड में ना गाइस बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते। आगे का पता नहीं लेकिन रास्ता वाओ, और आसपास कोई नहीं है, मैं अकेले जा रही हूँ अकेले चला के जा रही हूँ भाई। ना गाड़ी है इधर, ना बाइक, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है ग्रुप में आने से ज्यादा बेहतर है क्या, सोलो भी अच्छा लगता है। बाई चांस अगर मेरा कुछ खराब हो गया बाइक किया तो कुछ ऐसे तो खराब हो गया ना तो भी दिक्कत आ जाएगा, वरना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले अकेले ऐसे चला सकते हैं क्योंकि रास्ता 10/10। और ये व्यू देख सकते हैं आप लोग, एक इंसान तो दिखा मेरे को एटलीस्ट, और यहाँ से शायद रास्ता खराब होना शुरू होता है आई गेस इधर से। हाँ रास्ता खराब है। ये है खारडुंग विलेज और इसका अल्टीट्यूड है 14,730 फीट ऊपर है। ये पूरा पहाड़ के बीच है ये छोटा सा गांव, यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का रेस्टोरेंट मिलेंगे और होम स्टे भी मिलेंगे, शायद ऑक्सीजन बार भी मिलता है इधर। रास्ता ना इतना खतरनाक से खराब है ना इधर, माय गॉड ये तो कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा मैं आगे आ गई, उधर तो भाई ऐसे ऐसे पत्थर है पूरा खतरनाक वाले, पता नहीं और कितना दूर तक मिलने वाले क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे पत्थर में चलाना, गिर उड़ गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। मेरा ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं खाली चलाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गिरने से भी, यहाँ पे तो मेरा पेट्रोल है ये है वो है, भाई बहुत ही रिस्क है इधर तो। रास्ता कुछ इस तरीके का है, भाई देख सकते हैं ना, कैन यू सी दिस कैसे वाला रास्ता, गिरने वाली थी अभी मैं। वो साइड में छोटा सा गांव है, उधर भी घर है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गांव है उधर, पूरा वैली के नीचे एक छोटा सा गांव। कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग यहाँ रहना चाहोगे क्या मुझे कमेंट में बताना। तो इधर ऐसे खाली खाली सा पहाड़ उसके बीच, माय गॉड अलग ही टाइप का जगह है, बहुत सुंदर सा है। अभी उधर नीचे एक गांव दिखेगा फिर से, हाँ ये देख सकते हैं हम लोग, गो कार्टिंग भी कर सकते हैं इधर। कैन यू सी दिस, ओ माय गॉड क्या अमेजिंग सा प्लेस है भाई। इधर जाना है शायद, अंकल तुरटुक तुरटुक उधर ना, ओके थैंक यू। दिस ये तो पूरा डेजर्ट एरिया जैसे लग रहा है, ये तो पूरा डेजर्ट एरिया है। और इधर ये कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ये गाड़ी को क्या बोलते थे, वो लॉन्गेस्ट जिप लाइनिंग, अच्छा यहाँ पे गाइस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड हाई अल्टीट्यूड जिप लाइनिंग इधर होते है, वो ATV राइड, अच्छा यहाँ पे ATV बोलते है इसको। हाँ भाई फिर से फंस गए इधर, क्या हुआ है पता नहीं मेरा हालत क्या हो गया, मेरा हेयर कितना नाच रहे, पूरा जैम लग गए है देख सकते हैं। और इधर मेरा बाइक इधर है और लुक एट दिस व्यू। मैं अभी पहुंच गई हूँ डिस्किट और ऊपर देख सकते हैं सुंदर सा मोनेस्ट्री है, बहुत ही बड़ा सा मोनेस्ट्री है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। वाह जब मैं वापस आऊँगी ना तब
मैं यहाँ पे रहूँगी एक दिन और वो मॉनेस्ट्री देखने जाऊँगी। ऊपर है, बहुत सुंदर सा है पूरा सैंड, ये देख सकते हैं अलग ही टाइप का है भाई जगह। क्या क्या जगह देखने को मिल रहा है मेरे को, ऊपर पूरा वैली, नीचे सैंड और यहाँ पे कुछ राइडर्स रुक के सैंड का मजे ले रहे हैं। मैं ऐसी जगह पे हूँ अभी, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, ना मेरे आगे ना मेरे पीछे, बस मैं और मेरा बाइक जा रहे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं अकेले इधर क्या कर रही हूँ, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। 20 मिनट आधे घंटे बाद ही एक गाड़ी आता है। ओ भाई पूरा खतरनाक वाली ब्रिज है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ भाई, भाई किधर से किधर जा रही हूँ मैं। कभी कभी लगता है ना कि मैं मन ही मन में क्या सोचती हूँ गाइस, पता है क्या, मैं सही रास्ता जा रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किधर जा रही हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। ना गांव है ना इंसान है, बस दो तीन कुत्ते दिखे मेरे को ऐसे, पता नहीं कौन सी जगह आ गई मैं भाई, ये कौन सी जगह है, मैं कब पहुंचूंगी तुरटुक, मेरे को तुरटुक जाना है तो मैं कब तुरटुक पहुंचूंगी पता नहीं भाई। देखो यहाँ से रास्ता किधर किधर जाता है, ऊपर मेरे को एक गांव दिख रहा है छोटा सा। यार भाई मेरे को डर भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आ गई अकेले अकेले, भाई किसी को लेके आना चाहिए था साथ में। और लाइक बहुत लोग मुझे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं, आप बॉयफ्रेंड का साथ जा रहे हैं ना, ऐसे बॉयफ्रेंड का साथ जा रहे हैं लेकिन छुपाते हैं बोलते हैं। यार क्या छुपाऊंगी मैं, अकेले अकेले जा रही हूँ, इतना डर लग रहा है, आप लोगों को नहीं पता मैं कितना डर डर के जा रही हूँ। बहुत ही सुनसान सा जगह लगता है ना, आप अकेले बहुत डर लगेगा इधर, जैसे कि मैं डर रही हूँ। अभी थोड़ा इंसान दिख रहा है मेरे को, गाड़ी दिख रहा है आगे। सो गाइस इधर भी एक एंट्री कर लिया है, आर्मी वालों ने एंट्री किया है मेरा, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आर्मी कैंप है। टीवी में जैसे दिखाता है ना ऐसे ही है पूरा आर्मी कैंप, ऐसा होता है ना ऐसे ही है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आर्मी कैंप है, और रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है मेरे को, जो टीवी में देखते हैं ना आर्मी कैंप ऐसे पहाड़ों के बीच वार जब होता है ना ऐसे। तो यहाँ पे प्यारा सा स्कूल है, आर्मी स्कूल, और हुई 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 हेलो। ओ वाह इतना प्यारा सा स्कूल है। हाँ बाय, हे चॉकलेट नहीं है, वापस आने टाइम में देगा ठीक है। भाई मत कर यार, बच्चे लोग इधर ना सब लोग चॉकलेट 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 मांगते हैं। इतना प्यारा मुझे रुकाया, मेरे को क्या हो गया, सब बच्चे लोग इधर चॉकलेट चॉकलेट बोल गया, मुझे पता ही नहीं था गाइस अगर मैं चॉकलेट लेके आना चाहिए था मेरे को ना, यार देने का मन किया लेकिन, और पता भी नहीं है ना मेरे को कि बच्चे लोग ऐसे यहाँ पे रहते चॉकलेट मांगने के लिए। सब लोग देते होंगे एक्चुअली ऐसे राइडर्स लोग ना यहाँ पे, इसलिए उन लोग को पता है कि चॉकलेट देंगे बोल के। फाइनली मैं टूटूक पहुंच गई हूँ और यहाँ पे एक होम स्टे मिला मेरे को, सो मैं अभी हूँ सुकून होम स्टे, और मेरे को अभी खाना दिया है पूरा घर वाला खाना। तो एक्चुअली क्या है ना, आज दिन भर मैंने खाना नहीं खाए, तो बाहर भी और कितना खाऊं खाने का मन नहीं किया, तो मैंने ये गेस्ट हाउस पे बोला कि आप लोग जो खा रहे हैं मुझे मेरे को भी वही देना। सो मेरे को इतना दाल सलाद और कुछ आलू और कुछ सब्जी दिए हैं, सो अभी खाऊंगी मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ना पता नहीं ठंड की वजह से ना मेरा लिप्स भी काला हो चुके हैं और मेरा चिक्स भी पूरा फूल गए हैं, आग चिक्स पता नहीं क्या हो रहे। मेरा
बैग्स, जूता, बैग सब कुछ इधर है, राइडिंग पैन सब कुछ मैं नीचे ही फेंक के रखी हूँ। अभी इधर बेड पे हेलमेट है, क्या क्या है पता नहीं। हाँ ले ऐसे सीधा तुरतुक आई और गूगल में 250 था शायद किलोमीटर्स, मैंने मुझे याद नहीं है। सो गाइस आज का वीडियो यही पे एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कल भी, कल का व्लॉग भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं कल सीधा ये तुरतुक विलेज घूमने वाले, जो कि काफ़ी फेमस है। ये भी बहुत ही सुंदर सा गांव है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल उधर बॉर्डर पे जाना है मेरे को, पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर, मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। सो कल का वीडियो भी ज़रूर देखना आप लोग। तो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, टिल देन राइट सेफ बी सेफ एंड बाय। आज ही मैं अच्छे से एंडिंग कर रही हूँ शायद व्लॉग का, तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं आपका व्लॉग एंडिंग अच्छा नहीं है, ये वो ये वो। तो मैं क्या है ना कि व्लॉग एंड करना ही मैं भूल जाती हूँ और टाइम का इधर उधर हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इसीलिए मैं व्लॉग भी अच्छे से एंड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ दो दिन का व्लॉग मैं एक ही साथ डालूंगी इसीलिए। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता, ज़्यादा ही लंबा हो जाते, ज़्यादा लंबा हो जाता 30 मिनट्स ऐसा हो जाते, 30 मिनट्स भी बोर ही लगते होंगे ना, ज़्यादा ही लंबा हो जाते।